आपका फरीजा ये है कि मजलूम के साथ इजहार हमदर्दी करें। चौथे इमाम फरमाते हैं, जब मैं ये जुमले चौथे इमाम की जबान मुबारक से सुनता हूं तो दिल गमगीन हो जाता है। दिल गमगीन इसलिए भी होता है, जो इमाम इस कदर जुल्म की मजम्मत कर रहा हो, इस कदर मजलूम का साथ देने की बातें कर रहा हो, अफसोस ये है कि उसी मजलूम का किसी ने साथ ना दिया। इमाम सज्जाद फरमाते हैं, اللهم إني أعتذر إليك بمظلوم ظلم بحضرتي فلم أنصره। ऐ मेरे परवरदिगारा, मैं पनाह मांगता हूं मेरे सामने किसी मजलूम पर जुल्म हो और मैं उसकी मदद न कर पाऊं, मैं पनाह मांगता हूं। यानी मेरी जिंदगी में कोई ऐसा वक्त ना आए कि मेरे सामने किसी मजलूम पर जुल्म हो और मैं कुछ कर ना पाऊं। फिकही मसला बताऊं, शिया उलमा के नजदीक फिकही मसला, एक इंसान को मार रहा हो, तीसरा आदमी खड़ा देखता हो, अगर वो इसे बचा सकता था लेकिन उसने नहीं बचाया तो इन दोनों की सजा क्या होगी, मारने वाले की सजा और वो तीसरा जो इस मजलूम को मरता हुआ देख रहा था लेकिन उसने बचाने की कोशिश नहीं की। ये फिकही मसला बता रहा हूं। मारने वाले की सजा क्या है? मौत। जिसने किसी एक बशर एक बंदे को मारा हो उसकी सजा क्या होगी? मौत। लेकिन वो जो तीसरा खड़ा देख रहा था, जो कुछ कर सकता था लेकिन उसने नहीं किया, उसकी सजा ये है कि उसकी दोनों आंखों को निकाल लिया जाए और ताअबद जिंदान में डाल दिया जाए।